हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी टीसीएमबी। हम लोगों ने क्लास टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, उसमें हम लोगों ने कुछ पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमको यहाँ पर पढ़नी है। और क्लास टेंथ की अगर बात किया जाए तो क्लास टेंथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई होता है ट्रिग्नोमेट्री का तो यही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आंख बंद करके इस चीज को आप मान के चलिए कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके बिना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बिना कोई भी क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया जा सके। तो कहने का मतलब इतना सा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको जो है हमने एक अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये हमारा एक अलग पार्ट ही चलेगा, मतलब पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर करके इसको आएगा और लगभग 5 से 6 पार्ट आएंगे, मतलब इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और पहला काम जो होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना। अक्सर एग्जाम में आ सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करके दिखाइए। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है उनको प्रूव करना बहुत आसान है और इनके ऊपर जब क्वेश्चन आते हैं वो टफ हो जाते हैं, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ आ सकता है, इसके चांसेस कम है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं। तो हमको ये पता है कि चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे पाइथागोरस थ्योरम हो, ये दोनों ही चीज लगते हैं कहां पर, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, पहले हम लोग राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी ये हम लोगों ने बना लिया और ये एक एंगल बोल दिया हमने इसको थीटा, इसको बोल दिया हमने एंगल थीटा, ठीक है। अब ये बताइए, अब आप लोग तो इतना जान ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या हाइपोटेन्यूज है, क्या परपेंडिकुलर है और क्या चीज बेस है। तो हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, बोल दिया। और ये जो एंगल थीटा होता है एक्यूट एंगल, इसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और वो साइड जो बच जाए या वो साइड जो इस एक्यूट एंगल थीटा के एडजेसेंट हो, बराबर में हो, बगल में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यह कहता है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक चाहे पाइथागोरस थ्योरम दोनों यहां पे लग रहे हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे ही लगेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो पहला काम क्या करना है हमको, पहला काम यह करना है कि डिवाइड कर दें, हम इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने वन, तो डिवाइड इक्वेशन वन बाई एच स्क्वायर। हमने क्या किया कि इस पहली जो हमारी इक्वेशन लिखी है इसको ही एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने क्या लिखा है कि ये एच स्क्वायर से पूरी की पूरी इक्वेशन को करना है, सिर्फ एक साइड को नहीं करना है, पूरी की पूरी इक्वेशन को करना है। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या होता है आजकल, वन, ये हो गया वन। और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। लेकिन यहां पे अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम साइन थीटा पे भी स्क्वायर लगा देते हैं, उसने कौन सी गलती की है, यहां पे भी हम लोग लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं, कॉस थीटा को कहते हैं, क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर लगा है तो हम कॉस स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं। तो इसको क्या कह दिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया ये, कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसको हमको याद करना है, इसको हमको याद रखना है हमेशा, कभी भी इसको भूलना नहीं, क्योंकि क्लास टेंथ में इसकी शुरुआत हो गई है, 11th 12th में तो इसके ऊपर क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे और 10th में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये पहली आइडेंटिटी हमने प्रूफ की। अब क्या करते हैं, दूसरी पे चलते हैं। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। पहली आइडेंटिटी के लिए हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज से पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया था, इसको आपके नाम दे देते हैं दो, इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करते हैं हम लोग कि इस परपेंडिकुलर से पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, करते हैं डिवाइड इक्वेशन टू बाई
पी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। ठीक, हमने क्या किया, अब की जो हमारी इक्वेशन थी उसको परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया पूरी की पूरी। अब यहां पर देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर हम कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, लेकिन क्योंकि यहां पे स्क्वायर लगा है तो इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, फिर से कट जाएगा तो बचेगा क्या वन प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है टेन थीटा, यहां पे इसका अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसलिए हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी हो गई दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, अब देखते हैं तीसरी थर्ड के लिए। थर्ड के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, क्या होता है ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब अब की हमको करना है डिवाइड इक्वेशन थ्री, इसको क्या नाम देते हैं थ्री बाई बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखिए पहले बार पहली चीज को जब लानी थी तो हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, दूसरी को लानी थी तो परपेंडिकुलर से किया, तीसरी को लानी है तो बेस से करेंगे। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर। तो अब देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, देखिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या आपको पता है, पता है वो क्या होता है कॉस थीटा, बेस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, लेकिन यहां पे स्क्वायर लगा है इसलिए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है टेन थीटा, ये क्या होता है टेन थीटा, और स्क्वायर लगा है तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा वन, ये क्या हो जाएगा वन। तो ये आ गई हमारी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये जो तीनों मैंने ब्रैकेट में लिखी है ये तीनों ही क्या है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इसी के ऊपर क्वेश्चन आना है। एक तो प्रूफ भी आ सकता है, तो प्रूफ बस इतना सा है और आसान भी है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम हमको पता होना चाहिए, एक एक बार सबसे हमको डिवाइड कर देना है और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक एक बार हमको सबसे डिवाइड कर देना है और आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक, लेकिन बात इतनी सी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा यहां पर, है ना, किस चीज को कन्वर्ट कर दिया जाए। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन जो चीजें हम पहले पढ़ के आए हैं, पहले का मतलब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ के आए हैं, हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो सब जो पढ़ के आए हैं उन सब का भी इसमें इस्तेमाल होगा, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। तो पहला एग्जाम्पल है आपकी एक्सरसाइज का, वो कह रहा है कि यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपकी बुक का यही एक एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द रेशियो, एक्सप्रेस द रेशियो, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस थीटा कॉस ए टेन ए सेक ए, कॉस ए टेन ए एंड सेक ए एंड sec a in terms of sin a, मतलब हमारे पास जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं cos a tan a sec a, इसको हमको बदलना है किसमें sin a में, मतलब हम इन सबको sin के फॉर्म में लिखें, sin a के फॉर्म में लिख दें, वो cos ना रहे के वो sin a के फॉर्म में लिखा रहे, मतलब वही रहे बस लिखने का तरीका बदल जाए। तो हमको पता है अगर हम पहली कॉस ए की बात करें, अगर हम किसी बात करें कॉस ए के लिए, सबसे पहले हम लोग कॉस ए के लिए बात करते हैं। देखिए हमको अभी एक आइडेंटिटीज पता चली है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, अभी अभी पता चली ताजी, ये है क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन। ठीक,
तो हमको क्या लिखना है इस कॉस को, में कॉस को इस तरह से लिखना है कि वो साइन के रूप में आ जाए, तो साइन को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस को उस तरफ लेके गए तो यह कॉस स्क्वायर ए। तो अब देखिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब अब हमने साइन को कॉस के रूप में लिख दिया या कॉस को साइन के रूप में लिख दिया, लिख दिया कहीं लिख दिया। अभी हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए तो चाहिए नहीं, हमको किसमें बदलना है साइन ए में। तो साइन ए जब होगा तो जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट चढ़ेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पर हमने ये देखा कि हमने इस कॉस ए को, इस कॉस ए को साइन ए में बदल दिया, इस कॉस ए को साइन ए में बदल दिया, ठीक। ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा है टैन ए, दूसरा क्या है टैन ए। देखिए टैन ए होता क्या है, टैन ए हमको पता है होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, टैन ए हमको पता है कि क्या होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। देखिए इसको भी हमको किसमें बदलना है साइन में बदलना है। देखिए एक तो हमको साइन तो मिल गया, तो यहां से तो हम छेड़खानी करेंगे, छेड़खानी अब हम लोग यहां पे नहीं करेंगे, इसको तो ऐसे रहने देने, क्यों, क्योंकि हमको साइन में ही आंसर लाना है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दिया। लेकिन जो कॉस ए है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में अंडर रूट वन माइनस कॉस ए। देखिए क्यों लिखा हमने इसको, देखिए हमको पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है, होता है कि नहीं होता है, वैसे ही तो हम कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहां से हमको पता है कि कॉस ए को हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट वन माइनस साइन ए, तो यहां पे हमने चीज को लिख दिया ऐसे, तो इसी चीज को हमने उठा के यहां पे पुट कर दिया है। देखिए इस चीज में भी हम इस तरह से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहां पे भी हम लोग इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको चेंज कर देते हैं, हमको क्या करना है, देखिए हमको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, हमको कॉस को साइन में बदलना है, हमको कॉस को साइन में बदलना है, तो कॉस को यही रहने दिया अगर, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन ए, हम तो कह सकते हैं ना। तो यहां पे हमने कॉस को बदल दिया, यहां पे हमने टैन को बदल दिया। अब थर्ड वाला, थर्ड वाला है सेक ए, ये तो बहुत आसान है, थर्ड वाला क्या है हमारा सेक ए। अब देखिए सेक ए हमारा होता है वन अपॉन में कॉस ए, देखिए सेक ए को भी हमको बदलना है किसमें, साइन ए में बदलना है, सेक ए को भी हमको कॉस ए में बदलना है, ठीक। तो कॉस ए क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब फिर हमने कॉस ए की जगह अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा, क्यों लिखा पता है कि नहीं पता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हमने इस चीज को कॉस ए को अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि हम कॉस ए को साइन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन ए। तो ये थे कुछ, पहले क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज, आपका एग्जाम्पल ही था, पहला एग्जाम्पल ही था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्हीं तीनों को किसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में हम लोग बदल सकते हैं, किसकी मदद से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से। देखिए यहां पे बदला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से बदला, क्योंकि यहां पे हम लोग बदल लिए थे उसी का हमने यहां पे किया, क्योंकि यहां पे हम बदल चुके थे इसी से यहां पे भी काम किया। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। इजी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और देखने इसके ऊपर, आज जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद वाली क्लास में हम लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं आपके एक्सरसाइज, आपके एग्जांपल का ही है ये भी। देखिए क्वेश्चन है कि sec a ब्रैकेट में वन माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a
इज इक्वल टू वन। हमारे पास क्वेश्चन में देखिए, अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन आएंगे उसमें हम लोग को दो चीज पे ध्यान देना है, एक देना है राइट हैंड साइड पे और एक देना है लेफ्ट हैंड साइड पे। कभी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को लेकर चले आएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड आ जाए, या कभी राइट हैंड साइड को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, या दोनों को ही सॉल्व करेंगे ताकि दोनों एक जैसा आ जाए। तो यहां पर देखिए क्या करना है, यहां पे लिखा है कि sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a is equal to 1, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या होता है, आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए sec a into 1 sec a minus sec a into sin a, देखिए sec a into 1 sec a, sec a into sin a sec a sin a, फिर यहां पे ब्रैकेट लगा है sec a plus tan a, हमने किसको लिया है लेफ्ट हैंड साइड को, हमने किसको लिया है लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक, फिर क्या किया, sec a को हमने ऐसे ही रहने दिया माइनस, अब यहां पर जो sec a है, जो sec a होता है ये हमारा cos का रेसिप्रोकल होता है, तो यहां पे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि sin a अपॉन में cos a, देखिए मतलब तो वही रहेगा, मतलब तो वही है कि 1 अपॉन cos a का मतलब क्या होता है sec a, वही ऊपर लिखा हुआ है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर into sec a plus tan a लिख दिया, इसको सॉल्व करते हैं, अब क्या होगा sec a minus sin a अपॉन cos a क्या होता है tan a, क्या होता है tan a, इस तरह के जितने भी फॉर्मूले हैं हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं ना, तो यहां पे हम लोग सीधे सीधे उस चीज का यूज कर रहे हैं प्लस tan a। तो अब देखिए यहां पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, तो वही चीज तो यहां पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं आगे। देखिए यहां पे हम कह सकते हैं कि sec स्क्वायर a, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर a, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए ये वाली जो आइडेंटिटीज है ये भी अभी हम लोगों ने प्रूफ की थी, हम लोगों ने भी प्रूफ किया कि नहीं प्रूफ किया, हम लोगों ने अभी एक आइडेंटिटी लिखी थी, मैं यहां पे लिख रहा हूं इस तरफ की sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये लिखा था कि नहीं लिखा था, ये तीसरी आइडेंटिटीज थी। अगर हम tan स्क्वायर a को इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, यानी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है 1, और यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड। देखिए तो हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, यही हमको इस क्वेश्चन में करना था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि sec a into 1 minus sin a, फिर sec a plus tan a is equal to 1, ये क्वेश्चन में कहा गया। फिर ये कहा गया कि लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को इस तरह सॉल्व करिए कि दोनों साइड जो है आपस में बराबर आ जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, अभी बराबर नहीं लग रहे हैं लेकिन इनको लाना है, कैसे लाना है देखिए, sec a को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इसको हमने एज इट इज रहन दिया, यहां पे हमने कोई भी चीज नहीं की। फिर जब इसको सॉल्व किया तो यहां पे sec a को हम 1 upon cos a लिख सकते हैं, तो यहां पे हमने लिख दिया 1 upon cos a into sin a, और यहां पे sec a plus tan a तो है ही, फिर sec a minus tan a sec a plus tan a, तो sec a क्या होगा sec square है minus tan a, tan a क्या होगा tan square है, और अभी हम लोगों ने थर्ड आइडेंटिटीज में देखा था कि sec square a is equal to 1 plus tan square है, तो अगर हम tan स्क्वायर a को इस तरफ लेके चले जाएंगे तो उधर क्या बचता है 1, तो वही चीज यहां पे 1 लिख दिया और यही 1 आया भी है लास्ट में, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक दो लाइन वाला इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि वैल्यू क्या होगी, इवैल्यूएट करना है। चलिए हम लोग इस तरह यहां पर क्वेश्चन करते हैं, हम लोग को करना है इवैल्यूएट, हमको करना है इवेल्युएट। क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होगा,
हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए हमने अभी यहां पे क्या लिखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, तो लिख दिया यहां पे क्या लिख दिया सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, दूसरी आइडेंटिटीज क्या कहती थी कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कहती थी कि नहीं कहती थी, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए लिख दिया ठीक। हम सेक स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सेक और कॉस आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं उल्टे होते हैं, वैसे ही कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए ठीक। तो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहां पे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ठीक, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि sec a क्या हो जाएगा, sec a तो हमारा हो जाएगा 1 upon cos square a क्योंकि इसका reciprocal है, और cosec का reciprocal क्या होता है 1 upon sin a, तो इस sin को अगर हम ऊपर लेके चले जाएं ये ऊपर चला जाएगा ये इससे multiply हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा sin square a upon में cos square a, तो sin upon cos क्या होता है tan, तो ये क्या हो जाएगा tan square a। तो जो आज हमारी क्लास थी इसमें हम लोग को देखना ये था कि trigonometric identities जो तीन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और उसके ऊपर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन भी दिख रहे हैं, अगले क्लास से हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं ठीक है। तो हमारा क्लास देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।